श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करने का विधान है। इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 मार्च शनिवार को है। ऐसे में यह शनि प्रदोष होगा। आइए जानते हैं कि शनि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और शनि प्रदोष के दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। साल 2023 में फाल्गुन शुक्ल प्रदोष व्रत 4 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:23 से रात्रि के 8:51 तक। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 4 मार्च प्रातः काल 11:43 पर। फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 5 मार्च की दोपहर 2:07 पर। शनि प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शनि देव की कृपा पाने के लिए भी खास दिन होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक कर उन्हें बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप, दीप, चंदन, फल, पान, सुपारी सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। अंत में प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। शनि प्रदोष होने के कारण इस दिन प्रति को शनि देव के निर्मित पीपल में जल देना चाहिए और शनि स्रोत और चालीसा का पाठ करना भी इस दिन शुभ रहता है। शनि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ शनि देव की पूजा भी की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनि देव भगवान भोले के सबसे बड़े भक्त हैं। भगवान शिव ने ही शनि देव को 9 ग्रहों में न्यायाधीश की उपाधि प्रदान की है। ऐसे में शनि प्रदोष के दिन शनि चालीसा का पाठ, शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन जरूरतमंद लोगों को काला कंबल, काला तिल का दान करें। शनि दोष निवारण के लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ को काला तिल अर्पित करें और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। शनि प्रदोष के दिन छाया दान करें। सरसों के तेल में 1 सिक्का डालकर उसमें अपना छाया देखें और उस तेल को मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान करें। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।